अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक मुंबई किचन डिलीशियस रेसिपी में। आज हम आपके लिए बहुत ही स्पेशल मटन शामी कबाब बनाने वाले हैं, जो कि इसके मसाले हम पहले यहाँ पे देख लेते हैं। और चले हम अपने मसाले की तरफ। यहाँ पे हम मसाले देख लेते हैं। हरी मिर्च है, ज़ीरा है, लाल मिर्च है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, काली मिर्च है, नमक, और यहाँ पे हमारी हल्दी है। इन सब सारी चीज़ों को हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अगर से अदरक लहसुन हमारा नहीं है तो हम खड़े अदरक को भी डाल सकते हैं और खड़े लहसुन को भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये हमें पाउडर बनाना है। यहाँ पे हमारे चने की दाल है, कुछ हम यहाँ पे ऐड करेंगे हमारे चने की दाल, और यहाँ पे मेन इंग्रेडिएंट हमारा मटन, तो हम इसको ऐड करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम इसमें पानी ऐड करेंगे। 2 कप पानी ऐड करने के बाद, सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद, हम इसको ढक के पानी ड्राई होने तक पका लेंगे। फिर उसके बाद में हम मिक्सी में इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे कबाब के लिए। यहाँ पे हम पानी ऐड कर दिए हैं, इसके अंदर सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद हम अब रिफाइंड ऑयल डालेंगे। रिफाइंड ऑयल डाल के इसको हम इसका पानी सुखा लेंगे। हम पूरा इसको ढक के हम मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पकाएंगे हाफ एन आवर। तो यहाँ पे हमारा सारा पानी जलने के बाद ये थोड़े से पानी रह गए, क्योंकि हम इसको पेस्ट बनाएंगे तो ये कवर हो जाएगा। और इसके अंदर से कुछ भी चीज़ नहीं फेंकना है, सारी चीज़ों को हमें मिक्सी में पेस्ट बना लेना। पेस्ट बना के मिलते हैं। यहाँ पर हमने अपना फाइन पेस्ट बना लिया है, देखें ऐसा। सारी चीज़ों को हमने अच्छे से फाइन कर लिया। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे हमारा ये अनियन, 1 मीडियम साइज़ का अनियन ऐड करेंगे। इसके बाद हम ऐड करेंगे ये कोथमीर हमारी। ये सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद हम अच्छे से इसको मिक्स करेंगे स्पून की मदद से। सारी चीज़ों को वेल मिक्स करने के बाद हम इसकी टिक्की बना लेंगे। यहाँ पे हमने ऑयल या पानी की मदद से हमें राउंड शेप बना लेंगे। उसके बाद में यहाँ पे 2 अंडे लेंगे हम, 2 एग्स लेंगे, और इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करके फिर हम विसल की हेल्प से हम अच्छे से इसको मैश कर लेंगे। मैश करने के बाद में अब चले हम अपने फ्राई की तरफ। यहाँ पर हमने जो हमारी टिक्की थी वो अंडे के अंदर हम इसको डीप करके एक एक हम फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे हम दोनों तरफ से अपनी टिक्की को सेक लेंगे, फिर उसके बाद आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा फाइनल लुक है मटन शामी कबाब का, जो कि बनाने में इतनी इजी और खाने में इतनी लाजवाब चटपटी सी होती है। इसे हम प्लेन राइस दाल के साथ भी खा सकते हैं, और इसे ज़्यादातर हम इसे दाल चावल के साथ ही खाते हैं, और ये बहुत ही लजीज बनती है, और ये बहुत जल्दी झटपट से बन जाने वाली रेसिपी है। तो आई होप आपको ये सारी रेसिपी समझ में आई होगी, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।